नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। दुमका का जो सबसे बड़ा कांड रहा पेट्रोल कांड, जिसमें आज किशोरी की तरफ से उसके पिता ने आज गवाही दी और ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल मामला रहा और इसमें SIT भी गठित हुई। 25 लोगों की गवाही इसमें दर्ज की गई है, लगभग 100 पन्ना का जो डायरी डाला गया है। लेकिन आज पहला गवाही हुआ है किशोरी के पिता के संजीव सिंह जी का। उन्होंने क्या कहा, आइए कुछ हम सुनाते हैं। संजीव सिंह जी का कहना था कि इन्होंने अपने बयान में प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन, यानी जो बयान 164 का जो बयान हॉस्पिटल में अस्पताल में जो बयान लड़की ने दिया था, सेम टू सेम उसी बयान के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, यानी 22 तारीख के रात 10 बजे उसकी बेटी ने बताया कि शाहरुख नाम का जो लड़का है उसे तंग करता है, रास्ते में आते जाते उसे छेड़ता है। तो रात में 10 बजे जब संजीव सिंह को और उसके परिवार वालों को उसकी बेटी ने बताया कि शाहरुख नाम का लड़का हमें अक्सर तंग कर रहा है, और उन्होंने कहा कि चलो आज खाना खा लेते हैं, अगले दिन उसके परिवार से मिलेंगे और इस विषय में बात करेंगे। लेकिन अगले 23 तारीख के सुबह 4 बजे अचानक लड़की कमरे में से काफ़ी बचाओ बचाओ बोल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कमरा से बाहर चिल्ला कर आया बताया कि शाहरुख हुसैन ने पीछे की खिड़की से मेरे सोए अवस्था में पेट्रोल तेल डालकर माचिस मारकर आग लगा दिया। जब कुछ जलने का आभास हुआ तो नींद खुली तो तब देखें कि खिड़की के बाहर शाहरुख हुसैन के हाथ में बोतल माचिस का डिब्बा लेकर खड़ा है। अंकिता का मतलब उसकी बेटी का जो नज़र है बोतल और माचिस के डिब्बा वही फेंक कर वो भाग गए। किशोरी ने उसको देखा तो शाहरुख ने बोतल और माचिस वहीं फेंक दिया और भाग गया। तब उसकी बेटी चिल्लाने लगी। हल्ला करने पर आसपास के कई लोग जाग गए। तब मैंने अपने सामने पड़ोसी निरंजन राउत को बुलाया कि टोटो निकालो, अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे टोटो का चाबी नहीं मिल रहा है। तब मैंने अपने बड़े दामाद को कॉल किया और बड़े दामाद को और अपनी बेटी को बुलाया। तब बड़े दामाद का जो बड़े भाई है वो टोटो लेके आए और हम लोग वो टोटो लेकर करीब 5 बजे के सुबह हम लोग अपने टोटो यानी मनोहर जो महसानी है उसके टोटो में बैठ करके सदर अस्पताल पुनो जालो हॉस्पिटल पहुँची। मेरी बेटी पूरी तरह से जल चुकी थी। करीब 8 बजे से लेकर 9 बजे रात के आसपास, उनका कहना था कि कल रात यानी उसके पहले के दिन कल 8 बजे से लेकर रात 9 बजे रात तक आसपास लगातार फ़ोन करके उल्टा पुल्टा वो अपनी उसकी बेटी को गाली दिया जा रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि तुम्हें हम अगले सुबह मार देंगे सुबह 4 बजे। यही आज कुछ बयान में दिया है और ये उनका आज इस कांड में ये पहला बयान है। आगे भी कार्रवाई है, लगातार ये इस केस की जो सुनवाई है लगातार चलते रहेगा और संभावना है कि इस दुर्गा पूजा के वेकेशन में भी इसकी सुनवाई रुकेगी नहीं, ये गवाही चलते रहेगी क्योंकि स्पीड ट्रायल जो चल रहा है उस आधार पर लगातार गवाही होना है। अब देखिए आगे इस मामले में क्या होता है। तमाम तरह की और खबर है इस केस से अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए जोहार न्यूज़ साथ। धन्यवाद।